CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। आजा आजा आजा। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। अच्छा? उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। अच्छा? दादी काफी प्रभावित हुईं। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था,
तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? बोलो दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। अच्छा। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? दो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा। अच्छा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई। स्वामी की दादी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन
प्रभुदयाल खट्टर, आलेख आर के नारायण, अनुवाद मस्तराम कपूर, कलाकार नीरज यादव, सुचित्रा गुप्ता और आकाश, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।